नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल चाप कटर। तो ये क्यों स्पेशल है ये बात आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम आ गए हैं पूनिया एग्रोटेक चिडावा राजस्थान में, जहां हम आदित्य जी पूनिया से बात करेंगे। इनको आप पहले भी देख चुके हैं, ये किसान भाइयों के लिए अनेक प्रकार की खेती किसानी की मशीनें लेके आते रहते हैं। तो इन चाप कटर के बारे में आपको कमाल की इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों। तो सर थोड़ा सा परिचय दे दीजिए एक बार और। मेरा नाम आदित्य पूनिया है और पूनिया एग्रोटेक मेरी कंपनी का नाम है, जो कि राजस्थान जिला झुंझुनू में स्थापित है। और हम किसान भाइयों के लिए तरह तरह की मशीनें लेके आते रहते हैं। तो इस बार हम चाप कटर लेके आए, जिनके बारे में आपको डिटेल से विस्तृत तरीके से अभी बताएंगे। तो नहीं, चाप कटर तो जैसे मैं देख रहा हूँ, और चाप कटर और भी बाज़ार में बहुत से मिल रहे हैं, आप भी इससे पहले भी चाप कटर बेच रहे हैं, तो इन चाप कटर में ऐसा क्या है स्पेशल जो आप मुझे बता रहे थे कि ये स्पेशल है? सर 6 साल से हम एग्रीकल्चर मशीनरी का काम कर रहे हैं, किसान भाइयों को जो ऐसी मशीनें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चाप कटर हम पहले ही बेच रहे थे आपके माध्यम से, हमने पहले भी किसान भाइयों को दिखाए हैं काफ़ी तरह के चाप कटर। लेकिन हमने हर बार उस चाप कटर से कुछ ना कुछ सीख लिया कि किस तरीके के चाप कटर मार्केट में मिल रहे हैं, किस तरीके का अपन बेच रहे हैं और कैसा अपने को किसान भाइयों को देना है, जो कि आपकी जो देसी कुट्टी मशीन है उसके मुकाबले ही काम करे, उसके एवज में उससे आधुनिकता में, सुरक्षा में, उस चीज़ों में वो आगे हो, लेकिन जो कुट्टी की कटिंग हो वो अच्छी हो। क्योंकि जो पहले चाप कटर बेच रहे थे और इससे पहले भी काफ़ी लोग बेच रहे हैं और भी ऑनलाइन बेच रहे हैं, उन चाप कटरों में सबसे मेन चीज़ ये है कि जो विदेशी तकनीक पे आधारित जो चाप कटर है वो जो कुट्टी है वो बड़ी काटते हैं और बड़ी कुट्टी अपने जानवर जो है वो नहीं खाते हैं। तो किसान भाई जो अपने घर पे पशु रखते हैं, 1-2 पशु 4 पशु तक जो रखते हैं, वो लोग उनको घर का मेंबर मानते हैं और वैसे ही उनकी केयर की जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है। चाप कटर के अंदर उनको ऐसा चारा ही चाहिए होता है कि जो पशु आसानी से खाए। तो ऐसी विशेषता इन चाप कटरों में है कि पहली बात तो ये आपकी जो कुट्टी है वो बहुत ही बारीक करेंगे, और दूसरी इनमें विशेषता ये है कि ये मेड इन इंडिया है, ना कि किसी दूसरी देश की तकनीक पे बने हुए, ये इंडिया के अंदर बने हैं, इंडियन मटेरियल है और इसके स्पेयर पार्ट्स और पुर्जों की समस्या नहीं है। वास्तव में इंडियन मेड ही है। बिल्कुल सर, आप देख पा रहे होंगे, किसान भाई भी देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आपको मेन चीज़, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं तो जो लोहे का मटेरियल है इसके अंदर जो भी बना हुआ है आप देखें बिल्कुल ठोस लोहा है, कहीं भी इसके ऊपर आदमी खड़ा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत सालों साल चलने वाली चीज़ है। नीचे आप जाएंगे तो टायर जो लगे हुए ऐसे टायर है कि जिसके ऊपर चाहे आप 2 किलोमीटर तक रोड पे चलाओगे तो भी कहीं नहीं जाएगा ये चाप कटर। मोटर रखने के बाद क्या होता है, दूसरे देश की तकनीक वाले जो चाप कटर हैं उनमें ये मोटर ऊपर रख देते हैं तो उसके बाद में टायर और ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे छिद जाता है, मोटर का वजन ही नहीं ले पाता। आप इसमें देख रहे हैं मोटर आसानी से रखी हुई है, टायर है वो अपना पूरा वजन ले पा रहे हैं और ये अभी मिट्टी में है फिर भी इसको मूवमेंट करवाने में कोई समस्या नहीं, इधर से उधर कहीं भी आप ले जा सकते हैं। पूरा लोहे का मटेरियल है, लॉन्ग लाइफ चलने वाली चीज़ है। नहीं, देखने में तो काफ़ी मजबूत लग रहा है। उसके साथ में आप कितने मॉडल किसान भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं? पहली बात तो दोस्तों मैं बता दूं कि इंडिया मेड है पूरी तरह से, जैसा कि आपको देख के भी लग रहा होगा कि काफ़ी मजबूत और बढ़िया क्वालिटी से इनको बनाया गया है। बाकी आम जैसे कि आपने इम्पोर्टेंट चाप कटर देखे होंगे, मैंने भी देखे, आपने भी देखे होंगे, तो उनकी मजबूती और इनकी मजबूती में आप सिर्फ देखने से ही महसूस कर सकते हैं। तो अब कितने मॉडल आप किसान भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं? सर हम काफ़ी तरह के मॉडल लेके आए हैं, अभी आपको जो मॉडल वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं वो 3 मॉडल अभी आपको हम दिखा रहे हैं जो कि हमने इंडिया में बनाए हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर कॉमर्शियल पर्पज़ से जिनको चाप कटर चाहिए, बड़े हैवी वाले चाप कटर चाहिए, तो वो मॉडल भी हमने बनाए हैं, लेकिन वो अभी हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। अभी हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं जो हर आदमी की, हर किसान की, हर छोटे बड़े किसान की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आपको आटा चक्की वाला चाप कटर दिखा रहे हैं, जो कि इसमें सबसे मेन खासियत ये है कि आपका आटा चक्की और चाप कटर दोनों साथ में है, तो ये 3-in-1 मॉडल है। 3-in-1 कैसे हुआ, क्योंकि ये आटा, दलिया वगैरह सारी चीज़ें पीसता है, प्लस में जो आटा चक्की काम करती है वो सारे काम करता है, प्लस में इसमें चाप कटर भी है, मतलब आटा चक्की और चाप कटर दोनों का एक साथ इसके अंदर जोड़ है। मेन चीज़ ये है कि ये जगह कम घेरेगा आपकी जी। इस मशीन का वजन 105 किलो वजन है, विद मोटर या विदाउट मोटर 105 किलो है, मतलब प्योर लोहा है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इसमें इस्तेमाल। इतनी छोटी साइज में अगर 105 किलो वजन आप बता रहे हो मोटर के साथ, तो 1.5 क्विंटल के आसपास हो जाएगी। बिल्कुल सर, 1.5 क्विंटल से भी ऊपर जाएगा मोटर के साथ, तो 105 से ऊपर ही होगा, 105
सोचे हमने इसको बिल्कुल तोल के और 105 किलो वजन पे इसको बनाया है। और इसके अंदर खासियत दोनों मैंने आपको बताई, आटा चक्की और चाप कटर दोनों साथ में। और आटा चक्की से आप पशुओं के लिए दलिया पीस सकते हैं, चारा वगैरह काट सकते हैं, चारा इसके अंदर है ही कटिंग। प्लस मैं आपके घर पे जैसे पशुओं के लिए नहीं, आपको घर के लिए आटा पीसना है या बेसन पीसना है या फिर हल्दी पीसनी है, तो ये चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हो। जितना काम आटा चक्की आपकी करती है उतने काम आप इस आटा चक्की से कर सकते हो। जैसे आपको अभी आटा चक्की वाले चाप कटर के बारे में हमने बताया, वो सारा आपको दिखाया, उसके वजन के बारे में बताया। वो 2 HP मोटर से चलता था और इसके अंदर 2 ब्लेड थी जो बारीक कटिंग ये करता था। आटा चक्की इसमें साथ में थी। उसी तरीके से हमने जिन किसान भाइयों को आटा चक्की वाला मॉडल नहीं लेना, उनके लिए जो 1-2 पशु रखते हैं उन किसान भाइयों के लिए सबसे छोटा मॉडल हमारा है ये वाला मॉडल। ये हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें 4 ब्लेड आगे लगा हुआ है। यहाँ पर 4 ब्लेड है आपको, जो भी ब्लेड है यहाँ पे 4 ब्लेड है, जो भी ब्लेड है आपकी वो मेड इन इंडिया है, आपके वहीं पे लोकल में अवेलेबल हो जाएंगी इजीली। धार आप लगा सकते हैं इसके अंदर, रेती से धार लग जाएगी। और ये भी मेड इन इंडिया है, यहाँ से आप इसको खोल के इसकी ब्लेड में धार वगैरह जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। 45 किलो इसका मशीन का वजन है। ये किसानों के लिए है जो 2-4-5 पशु ही रखते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा ज़रूर काटेगी क्योंकि इसके अंदर पीछे से रोलर नहीं है। रोलर क्या चीज़ है सर, जो देसी वाला चाप कटर होता है, अब आपको हम रोलर दिखाएंगे। जो देसी वाले चाप कटर में रोलर होता है, इस मशीन में वो चाप कटर में रोलर है पीछे की साइड में। तो वो रोलर से आपको क्या होता है कि कुट्टी है वो पीछे से दब जाती है और दबा के वो आगे से निकालती है ताकि कटिंग सही हो जी। इसमें मोटर कौन सी लगेगी सर? इसमें सर 1 HP की मोटर लगेगी। उसी तरीके से अगर आप आते हैं तो आगे हमारा अगला जो मॉडल है इसके अंदर आप देखेंगे तो ये एक बिल्कुल छोटा सा मॉडल है, लेकिन इससे ये ऊपर वाला मॉडल है। तो इससे भी ज़्यादा हैवी है? इससे ज़्यादा हैवी है, देखने में उससे छोटा लग रहा है। साइज आगे से होपर की साइज़ इसकी छोटी की गई है, लेकिन इसके अंदर जो चाप कटर के अंदर अपने गिरारी आती है वो गिरारी इसके अंदर है। देसी कुट्टी मशीन में जो गिरारी आती है वैसी गिरारी है। पीछे सामने इसके 2 ब्लेड हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और ऊपर की तरफ से आप इसको ब्लेड को खोल के धार लगा सकते हैं। पूरा यहाँ से आपको पुली दिया गया है, हैवी क्वालिटी के पुली है देखें आप। और नीचे इसके अंदर 1 HP और 2 HP की कोई भी मोटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें खासियत ये है कि सर ये एक तो 10-15 पशुओं के लिए सफिशियंट है, और दूसरी बात ही 1 घंटे के अंदर ये 10-15 पशुओं का चारा काट देती है। गीला सूखा दोनों आप काट सकते हैं, और आपकी जो कुट्टी है उसकी साइज़ भी 1/2 इंची की लगभग ये करेगी जी। जैसे कि आपने तीनों मॉडल के बारे में बताया, तो उस पर जैसे 2 HP की मोटर लग रही है, इस पर 1 HP और इस पर 2 HP। हाँ, इस पर आप 1 HP, 1.5 HP, 2 HP कोई भी मोटर लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको ज़्यादा पशु के लिए चारा काटना है तो थोड़ी स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप 2 HP की मोटर उस पर काम में लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पावर भी थोड़ी ज़्यादा चाहिएगी ना। तो अब तो ये तो बात हो गई सर चाप कटर की और मोटर की। हाँ। तो अब मोटर भी साथ में आप उपलब्ध करवाते हैं किसान भाइयों के लिए, या फिर वो अपने स्तर पे खरीदते हैं सर? सर इसके अंदर जो भी मोटर लगती है वो 1440 RPM की जो नॉर्मल मोटर आपको ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, कहीं भी आप ले सकते हैं किसान भाई। अगर हमारे यहाँ से लेते हैं तो हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मोटर किसान भाई अपने वहीं से लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम मोटर किसान भाइयों को भेजेंगे तो मोटर में अगर कल को कोई भी शिकायत आती है तो उसकी गारंटी वारंटी के लिए उन्हें हमारे पास यहाँ मोटर रिटर्न भेजनी पड़ेगी, उसको रिपेयर करके हम वापस वहाँ भिजवाएंगे, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो किसान भाइयों का थोड़ा ख़राब हो जाएगा। बाकी मोटर की भी हम वारंटी आपको देंगे, आप मोटर भी हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं, मशीन के साथ मोटर भी मिल जाएगी। तो इनकी कितनी गारंटी वारंटी है? इनकी सर 1 साल की। वैसे देखा जाए तो जो देसी कुट्टी मशीन होती है अपन उसको खरीदने जाते हैं तो कभी अपन ने उसको देख के नहीं पूछा कि आप इसकी क्या वारंटी लेंगे, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ कोई है ही नहीं कि कोई वारंटी ली जाए, क्योंकि ब्लेड है तो धार लगानी है, जब खराब हो गई या टूट गई तो चेंज करनी है। उसी तरीके से ये मेड इन इंडिया है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि गारंटी वारंटी ली जाए। लेकिन फिर भी किसान भाइयों का एक हर बार एक सवाल होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक जवाब यह है कि आपको 1 साल की वारंटी दी जाएगी। वारंटी के अंदर कोई भी सामान टूटता है उसकी वारंटी नहीं होगी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है उसकी इसके अंदर वारंटी रहेगी। सामान अगर कोई भी टूटता है तो उनको नया सामान मिल जाएगा, उसके उनके पैसे लगेंगे जी। तो अब सर ये तो बात हो गई गारंटी वारंटी की, मोटर की बात होगी, मॉडल की बात होगी, मेड इन इंडिया बने हुए हैं, तो किसान भाई उम्मीद करते हैं कि बढ़िया तो उनको मिलेंगे और कीमत वाइज भी शायद आम बाज़ार से इनको 1 चाप कटर थोड़े सस्ते मिलेंगे, तो इनकी कीमत बता दीजिए एक बार सर।
सर इसकी कीमत पे ऐसा है कि लोहा है जो उसके भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए अभी फ़िलहाल इनकी कीमत यह हो सकता है 6 महीने बाद कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, वो लोहे पे डिपेंड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई है वो मोटा मोटी लोहे के आप पीछे एक साल में अगर देख रहे हैं तो काफ़ी भाव चढ़े हैं, तो पहले से इनकी कीमतों में भी काफ़ी बढ़ाव हुआ है। आपको ये वाला जो आटा चक्की के साथ वाला मॉडल है 28,000 रुपये में हम किसान भाइयों को ऑल ओवर इंडिया घर पर डिलीवर करवाएंगे, कोरियर के माध्यम से 7 दिन में पहुंचाएंगे। इसकी आटा चक्की और दोनों चीजें साथ में है, चाप कटर 28,000 रुपए में, विदाउट मोटर है, विदाउट मोटर जितने भी मैं बता रहा हूँ प्राइस वो सारे विदाउट मोटर है, मोटर लेनी तो मोटर की प्राइस अलग से। बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने कहा इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए आपको बता दें जितनी भी प्राइस मैं बता रहा हूँ वो विदाउट मोटर है, मोटर किसान भाई लेना चाहेंगे उनकी प्राइस अलग से रहेगी जी। तो इसकी क्या प्राइस है? ये वाला सर 16,000 रुपये का है, इसके अंदर किसान भाइयों को डिलीवरी फ्री मिलती है, वारंटी 1 साल मिलती है, 7 दिन में हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करवाते हैं, ये भी विदाउट मोटर 16,000 रुपये का है। इसकी अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो ये 21,000 रुपये का है, ये विदाउट मोटर ही मिलता है, ये भी मोटर के साथ लेना चाहेंगे तो प्राइस मोटर की अलग से ऐड हो जाएगी, इसकी भी 1 साल की वारंटी, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो ये तो बात हो गई सर, लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब पेमेंट प्रोसेस क्या है सर, और आप से कोई अगर किसान भाई संपर्क करता तो क्या जरिया रहेगा? सर जैसा कि हमारा हमेशा से एक पेमेंट प्रोसेस ये रहा है कि हम किसान भाइयों से बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो हर आदमी को एक डर रहता है कि कोई कंपनी के अकाउंट में पैसे डलवाएं, कंपनी फ्रॉड हो जाए, कहीं और पैसे डल जाए, ऐसी दिक्कतें किसान भाइयों को भी रहती है। तो हम 2,000 रुपये का एडवांस पेमेंट लेते हैं, बाकी का जो भी बचा हुआ पैसा है जिस भी मशीन के किसान भाई को ज़रूरत है वो ले सकता है, हमारे दिए गए नंबर पर वो फ़ोन करेगा और अपना ऑर्डर बुक करवाएगा। ऑर्डर बुक करवाने के लिए हम 2,000 रुपये एडवांस लेंगे, बाकी का जो पैसा है वो किसान भाई के जब घर मशीन पहुंचेगी उस टाइम हम उनसे लेंगे, पहले सिर्फ 2,000 रुपये लगेंगे। कितने टाइम में पहुंच जाती है सर, क्योंकि किसान भाई बहुत से किसान भाई ऐसे उतावलेपन में रहते हैं कि आज बुक कराया, उनका ये सोचना रहता है कल ही मेरे को मशीन मिल जाए, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी फ़ोन करते थे बहुत सी बार किसान भाई। सर हमारे यहाँ पे पहली बात तो ये रेगुलर बनते रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चाप कटर की स्टॉक नहीं है या फिर हमने 6-6 महीने नहीं भेजी, हमारे यहाँ से जब भी किसान भाई का ऑर्डर आएगा 7 से 8 दिन के अंदर हम उनके घर पर पहुँचा देंगे। मेन बात ये है कि वो 7 से 8 दिन ऐसे होते हैं जो कि जैसे दीपावली की छुट्टी है तो कोरियर भी छुट्टी है, ऑफिसें भी बंद है, सब कुछ बंद है, ऐसी कोई इतवार संडे जो आता है उसकी छुट्टी होती है कोरियर कंपनियों की, तो 7 दिन वो वाले 7 दिन होंगे जो कि वर्किंग डेज होते हैं जी, ना कि उसके अंदर जो संडे है वो इंक्लूड होगा, तो ये मोटा मोटी अगर माना जाए तो 7 से 10 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करवाते हैं। भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि क्या हमें शिकायत है, क्या हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, कैसे हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, तो उन्हीं की दी हुई ये ज्ञान की बातें हैं जिनके माध्यम से हमने ऐसी मशीनें तैयार की है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।